सो गाइस हम आ चुके हैं पीताम्बरा माता मंदिर और अब जा रहे हैं पहले कुछ स्नान स्नान करेंगे और उसके बाद जो है माता के दर्शन करने चलेंगे। तो आप पहले देखिए कि रोड कैसी है यहाँ की। तो हम जा रहे हैं अब माता के दर्शन करने के लिए। तो देखिए ये यहाँ की रोड है। माता पीताम्बरा में दो माताएँ पाई जाती हैं, एक है माता धुआवती और दूसरी माता है माता बकुलामुखी माता पाई जाती हैं। ये मंदिर दतिया मध्य प्रदेश में पाया जाता है और आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं या किसी और साधन से आ सकते हैं। तो भाई 10 घंटे का सफ़र करके हम रात के 9 बजे निकले थे, अभी 9 बज रहा है, हमने 10 घंटे का सफ़र तय किया है और अब जो है हम जा रहे हैं आगे। अभी नहाना है, उसका वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे पीछे जो है हमारे विश्राम गृह है मंदिर के पास, ये विश्राम गृह बना है, आप यहाँ 100 रुपये देकर के नहा सकते हैं और भी चीज़ कर सकते हैं। तो भाई नहाने के बाद हम आ चुके हैं श्री पीताम्बरा शक्तिपीठ, जहाँ पर माता बकुलामुखी और माता धुआवती पाई जाती हैं। देखिए आप यहाँ पे फूल ले सकते हैं, यहाँ पर माता चढ़ाने के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था बगल में ही की गई है, आप यहाँ प्रसाद ले सकते हो माता जी का। और ये देखिए यहाँ पर चुनरी चढ़ाई जाती है माता जी के। तो ये देखिए हम चल रहे हैं अंदर गर्भगृह के और चलते हैं अंदर। यहाँ पर बगल में जो है आप यहाँ पे प्रसाद का है, यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, आप यहाँ प्रसाद ले सकते हैं 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये अपने श्रद्धा अनुसार आप चढ़ा सकते हो जो भी आपको प्रसाद लगा चाहिए वहाँ पे। तो अभी देखिए हम लाइन में लगे हुए हैं और लाइन भी बहुत लंबी है, दर्शन करने के लिए बहुत लाइन में लगानी पड़ती है। भाई यहाँ फ़ोटो खींचना मना, लेकिन फिर भी हमने छुप के फ़ोटो खींची है। ये है माता बकुलामुखी, आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। गाइस अभी हम जो है हम आ चुके हैं पीताम्बरा माता मंदिर, क्योंकि यहाँ फ़ोटो लेना मना है, इसलिए कुछ वीडियोस तुमने बनाए हैं बट कुछ वीडियोस नहीं बन पाए यहाँ पर, क्योंकि हमें भी यहाँ के रूल मानने पड़ते हैं। बाकी आप पीछे देखो, ये पीछे जो है हमारे ये पूरा यहाँ का जो है एक यज्ञशाला है और इधर पीछे पूरा जो है ये आ गया माता धुआवती मंदिर। ये बंद है अभी, पौराणिक कथाओं की मानी जाए तो ये कहा जाता है कि माता धुआवती का जो है सुहागिन औरतों को पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस कारण ये है कि माता धुआवती जो है ये इनका एक विधवा रूप है माता का, तो इनकी पूजा इन्हें नहीं करनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर दे देंगे। जाते आते प्रेम से बोलिए पीताम्बरा माता की जय।